ऑल क्लासेस इंग्लिश ग्रामर। आज लेंगे टेंस। टेंस का अर्थ होता है काल। काल में आपको तीन काल होते हैं, वर्तमान काल, भूत काल और भविष्य काल। ठीक है, तो वर्तमान काल को बोलते हैं प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में चल रहा है, हाँ, प्रेजेंट टेंस। फिर भूत काल, पास्ट टेंस, जो बीत गए, हाँ। और तीसरा आता है भविष्य काल, यानी फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये होगा तीन टेंस। उस टेंस में बहुत सारे भाग हैं, ठीक है। जैसे प्रेजेंट टेंस में चार भाग हैं, पास्ट टेंस में भी चार भाग हैं और फ्यूचर में भी चार भाग हैं। तो आज हम टेंस का एक हिस्सा पढ़ेंगे। चलिए आज एक लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस काल का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो भूतकाल में प्रारंभ होकर भूतकाल में समाप्त हो गए हैं, यानी जो चीज हो चुकी हो उसको बोलते हैं पास्ट। हिंदी में ऐसे वाक्यों का अंत रहा था, रही थी और रहे थे, है ना, ये मेन शब्द है। आदि में होता है तथा काम के जारी रहने का समय दिया होता है। उसमें एक सेंटेंस आता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर का मतलब होता है स्वीकारना, हाँ। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रत्येक कर्ता, कर्ता यानी होता है सब्जेक्ट, के साथ हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला फॉर्म और आईएनजी फॉर्म सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भांति किया जाता है। जैसे एक उदाहरण है, हम मैदान में 2 घंटे से खेल रहे थे, यानी खेल रहे थे यानी वो खेल चुके थे, तो क्या लिखेंगे, वी हैड बीन, हैड बीन या इसका फॉर्मूला है तो हैड बीन लगाएंगे। वी हैड बीन प्ले, प्ले हो गया क्या, वर्ब, ओके, ये प्ले वर्ब हो गया। और आईएनजी ये लगाया, ठीक है, तो प्लेइंग हो गया। इन द फील्ड फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट, सीता 5 बजे से गा रही थी, तो क्या लिखेंगे, सीता हैड बीन, हैड बीन लगाना है आपको, सिंगिंग, सिंग मतलब वर्ब जो है वो आया है सिंग, ठीक, सिंग का क्या बनाया, सिंगिंग, सिंस 5 o'clock, कोई भी समय को दर्शाने के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस सेकेंडली है। नेगेटिव है नकारात्मक वाक्य। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्यों में नॉट का प्रयोग हैड और बीन के बीच में किया जाता है। जैसे एक उदाहरण है, तुम इस विद्यालय में 4 साल से नहीं पढ़ रहे थे, इसमें नॉट का उपयोग करना है, तो आएगा यू हैड नॉट, आया ये नॉट बीच में, यू हैड नॉट बीन रीडिंग, है ना, वर्ब आया रीड, हाँ, रीड का क्या बनाएगा, बनेगा रीडिंग, स्कूल प्लस क्या लगाना है, आईएनजी, तो क्या बन जाएगा, रीडिंग, है ना, इन दिस स्कूल फॉर 4 इयर्स यानी 4 साल, ठीक है। अगला उदाहरण, माली प्रातः काल से पौधों को पानी नहीं दे रहा, द गार्डनर मतलब माली हैड नॉट बीन वाटरिंग, है ना, इन द प्लांट सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से, तुम इस कार्य को 2 घंटे से नहीं कर रहे थे, You had not been doing. Do क्या है verb? Doing यानी verb plus ing. This verb for 2 hours. रमेश इस विद्यालय में 1988 से नहीं पढ़ रहा था. रमेश had not been teaching in this school since 1988. Next है interrogative. यानी प्रश्नवाचक. कोई भी question करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं interrogative. प्रश्नवाचक वाक्यों में हेड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। यदि कोई प्रश्न सूचक शब्द प्रयोग करना होता है तो हेड से पहले लिख दिया जाता है। और नकारात्मक वाक्य में नॉट का प्रयोग बीन के पहले किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे थे, हैड यू बीन लर्निंग, ठीक, इंग्लिश, यानी यह क्या गया, वर्ब और आईएनजी आ गया है, इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट, हैड, क्या किसान जुलाई से अपना खेत नहीं जोत रहा था, हैड द फार्मर नॉट बीन
Plugging is failed since July. Plug ये आ गया verb और इसमें ing लगाया। आप शुक्रवार से क्या पढ़ रहे थे? What had you been reading? मैंने read are जो है read जो है verb है और ing लगाया। लड़का प्रातः काल से क्या नहीं कर रहा था? What had the boy not been doing? Do क्या है verb है और since morning ठीक ing ठीक है स्टूडेंट, आज आपने पास्ट परफेक्ट टेंस का अध्ययन किया। आज का बहुत सरल होमवर्क दे रही हूँ कि आपको सिर्फ इन वाक्यों में वर्ब को देखना है, वर्ब को लिखना है अलग से। ठीक, तो मैंने जो जो इसमें शो किया है, अंडरलाइन की है, वो आप देखो। वो सारे क्या वर्ब यानी होती है क्रिया, आपको समझा दू VERB ये होती है क्रिया। क्रिया मतलब कोई भी, जैसे लिखना, पढ़ना, सोना, खाना, जाना, आना, बैठना, है ना, ये सारी चीजें क्रिया के अंतर्गत होती है। तो आपको इनमें से छांटना है क्रिया और कॉपी में लिख के मुझे सेंड करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है।